बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं आपका मेज़बान सलीम साफ़ी और आप देख रहे हैं जीबी दारेल। नाज़रीन, आज हम जिस लोकेशन पर मौजूद है इसको नारोनमाल का टॉप कहा जाता है। ये टॉप की अहम खसूसियात यही है कि जब भी आप ये टॉप के ऊपर आएंगे तो यहाँ से आप दो झीलों का नज़ारा कर सकेंगे। एक मेरे आकब में आप ये देख सकते हो, नारोनमाल झील कहा जाता है इसको, और इसकी बैक साइड पर भी आप देख सकते हो इतनी एक खूबसूरत मैदान सरसब्ज जगह है कि यहाँ अगर टूरिज्म की कोई बाहर से या अंदरून से कोई भी अगर टूरिज्म के यहाँ पर अगर टूरिस्ट आते हैं तो उनका दिल यहाँ से जाने को नहीं करेगा। और उसके बाद दूसरा झील भी मैं आपको दिखाऊंगा, उससे पहले मैं हमारे साथ मौजूद है अतुल्ला भाई, इसका क्या कहना है हम इनसे जानेंगे। अतुल्ला भाई, आप यहाँ आके ये खूबसूरत नज़ारा देख कर आपको कैसा फील हो रहा है? सलीम साफ़ी, शुक्रिया आपने मुझसे टूर लेने का और बात करने का मौका दिया। ये जब यहाँ आते हैं तो ऐसा फील हो रहा है कि अल्लाह ताला ने ये एक जन्नत बनाई है ज़मीन पे, तो बहुत अच्छा फील हो रहा है और बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। और इतनी खूबसूरती मेरे ख्याल में गिलगित बल्तिस्तान और कि कहीं भी नहीं है। जैसा कि नारोनमाल है, नारोनमाल झील है, देखे पेश है कितनी खूबसूरत जगह हैं, सरसब्ज एरिया है, और इसके बाद मजासगर एरिया तो और भी कमाल की अल्लाह ने बनाई है। बहुत शुक्रिया। ये साइड पर आप मेरा कैमरा मैन आपको दिखाएगा, ये आप देख सकते हो बर्फ यहाँ पे ग्लेशियर लगा हुआ है। और मैं आपको दूसरा जो झील का नज़ारा भी यहाँ से मेरा कैमरा मैन आपको दिखाएगा, ये आप देख सकते हो नाजरीन, यहाँ पर भी एक सबसे बड़ा झील यहाँ का, जो दारेल की जो झीलें हैं, दारेल की झीलों में इस झीलों का बादशाह कहा जाता है इसको। ये झील आप देख सकते हो, इतना बड़ा झील है। वहाँ पर हमने अपना टेंट लगाया हुआ है, हमने अपना कैंप लगाया है। कैंप से ये टॉप तक आने तक हमारे लिए आधा घंटे का रास्ता हुआ है यहाँ से हम, और इतना तेजी से हम आए थे। बस कम है सैर और उन घंटा था ओके वो लाए दूर ही नहीं मुझे सिराम थे बस अबन तो मार बस रुपए चिंता दे कर दे।